नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूं एकदम सॉफ्ट गट्टे की सब्ज़ी। गट्टे की सब्ज़ी तो बहुत लोग बनाते होंगे, लेकिन गट्टे जनरली हार्ड हो जाते हैं और टेस्टी नहीं बन पाती है सब्ज़ी। तो यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कैसे आप एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गट्टे की सब्ज़ी बना सकते हो और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं। गट्टे की सब्ज़ी में मेन क्या होता है? बेसन। बेसन जिसके गट्टे बनते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक बाउल हमने ले लिया है बेसन। थोड़े से इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम डाल रहे हैं आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आधा चम्मच डाल रहे हैं इसके अंदर हल्दी, और इसके अंदर मिलाएंगे थोड़ा सा सूखा धनिया। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। हमारे गट्टे सॉफ्ट बने उसके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट है यहाँ पर आधा चम्मच देसी घी। देसी घी के अंदर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा गट्टा। अभी हम इसमें थोड़ा सा लगभग 1 से 1.5 चम्मच सरसों का ऑयल डाल रहे हैं, 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे दही, और फ्रेंड्स इसे अच्छे से हम मल लेंगे। और टाइट आटा बिल्कुल हमें इसका लगाना है, तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा हम इसके अंदर पानी मिला रहे हैं, वो भी गुनगुना। तो हल्का सा इसमें पानी डालेंगे और इसे मांड लेंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल टाइट होना चाहिए ये आटा, बिल्कुल ढीला बनेगा तो आपके गट्टे बिगड़ जाएंगे। एक चीज़ और, इसका आटा लगाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों पर ये आटा बिल्कुल ना चिपके या बहुत कम चिपके, अपने हाथों पर सरसों का ऑयल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमने भी पहले सरसों का ऑयल लगाया था, तभी इसका आटा हमने तैयार किया था। तो अभी हमने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लिया है और इसे अच्छे से मलेंगे। 5 मिनट इसे अच्छे से मलने के बाद हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इस प्लेट को हटा देंगे और इसे गट्टे बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम ये जो गट्टे हैं इनको कट करेंगे 3 बड़े रोल बनाकर, मतलब जितने भी रोल आपसे बन जाएं उतने रोल्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि हमें इन्हें नाइफ से कट करना है। तो इस तरीके से इन्हें कट कर देंगे। जितने भी बड़े आपको पीसेस चाहिए हो, वैसे इतना साइज़ काफ़ी रहता है। पीसेस कट करने के बाद एक पीस हम अपने हाथ में उठाएंगे और इस तरीके से रोल बनाएंगे। बिल्कुल पतले पतले रोल बनाने हैं, जैसे आपके फिंगर होता है उससे थोड़े से मोटे होंगे ये रोल्स, और इस तरीके से मलते हुए रोल बना लेंगे हम और एक तरफ रखते चले जाएंगे। हमने ऑलरेडी इसमें तेल लगाया हुआ है और इसे बनाते टाइम भी हमने ऑयल लगाया था इसमें, तो ये चिपकेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से रोल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छे से हमने रोल्स बना लिए हैं। अब हमें इन्हें बॉयल करना है, तो बॉयल करने के लिए एक बर्तन में पानी रख लें और पानी में उबाल लगा दें। पानी उबल चुका है बिल्कुल, अभी हम इसके अंदर सारे गट्टे डाल देते हैं, और बहुत ही आराम से डालिएगा ताकि छींटे ना आए आपके ऊपर। गट्टे डाल देने के बाद इसे हल्का सा ढक दें और ढककर तब तक पकाना है जब तक कि इनके ऊपर बबल्स नहीं बन जाते। जब ये उबल जाएगा तो हम प्लेट हटा देंगे और कुछ इस तरीके के दिखने वाले हैं। ये देखिए हर गट्टे पर बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब अच्छे से पक चुका है ये, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। फ्रेंड्स अगर आप आरओ का या फिर पीने वाला पानी लेते हैं गट्टे उबालने के लिए, तो ये पानी आपके काम आ सकता है, आप सब्ज़ी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो गट्टे हैं इनका पानी निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये गट्टे हमने अलग कर लिए हैं और इसका पानी छान कर निकाल लिया है, ये हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। अभी गट्टे हम ठंडे कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इन्हें चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इस तरीके से काट लेंगे, जैसे कि सब्ज़ी हम काटते हैं पीसेस में। और पीसेस भी इतना ही साइज़ रखिएगा गट्टे का, और ज़्यादा पतला करेंगे तो बहुत जल्दी घुल जाएंगे, तो बिल्कुल यही साइज़ रखिएगा। तो अभी हम इन्हें एक प्लेट पर रख लेंगे। फ्रेंड्स गट्टे भी तैयार हो चुके हैं हमारे, तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सब्ज़ी बनाने से पहले हम प्योरे बना लेते हैं। तो प्योरे बनाने के लिए हमने यहाँ पर टोमेटो लिए हैं, टोमेटो के अलग हम प्योरे बनाएंगे, और यहाँ पर ये प्याज, कुछ लहसुन और हरी मिर्च है, इसको भी हम अलग पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सरसों का ऑयल। तो यहाँ पर कम से कम 3 से 4 चम्मच मैंने सरसों का ऑयल लिया है, और इसे एकदम गरम कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। हमने जो गट्टे हैं उसमें भी अजवाइन यूज़ करा है, अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी में। तो ये अजवाइन पक चुके हैं, इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लगभग आधा चम्मच हल्दी और आधा ही चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च।
और ये हमने इसके अंदर डाल दिया है, जो प्याज लहसुन और मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था फ्रेंड्स वो डाल दिया है। इसे पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था, तो अभी हम ये ऑयल के अंदर अच्छे से मिला देंगे। इसकी वजह से जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और हल्दी डाली है ऑयल में, कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता, और जब ये मसाला ऑयल छोड़ने लग जाएगा तो हम इसके अंदर ये जो टोमेटो प्योरे हमने बनाया है इसे भी ऐड कर देंगे। प्योरे डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे भी हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देता। तो इसके अंदर हमने टोमेटो डाले हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रखें गट्टे में भी नमक है तो उसी हिसाब से डालना है। तो अभी इसे नमक को मिक्स करके भी हम ढक्कन लगाएंगे इसे, और ढककर हम पकाएंगे। तो ये देखिए ढक्कन हटाने के बाद ऑयल छोड़ रहा है मसाला, यानी कि बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। एक बार चला लेंगे इसे ताकि जल ना जाए नीचे से। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच दही, और दही डालने के बाद फटाफट से इसे चलाएंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त आपको लो रखना है ताकि जो दही है अच्छे से पक जाए और फटे भी नहीं। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गट्टे। तो फ्रेंड्स ये गट्टे इस तरीके से ऐड करने हैं और मिक्स करने हैं मसाले के अंदर। मसाले में जब आप इसे मिक्स कर देंगे तो थोड़ी देर आपको इसे खोल कर पकाना है, यानी कि 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पहले पका लें इस गट्टे को मसाले के साथ, और उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें पानी। तो हम पानी वही ऐड करेंगे जो हमने निकाला था, आपको ध्यान हो तो वही पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है जिसमें कि हमने गट्टे उबाले थे। नमक ऐड कर लेंगे हम एक बार स्वाद अनुसार। नमक आप अंदाजे से डालिए क्योंकि पहले भी हम डाल चुके हैं 2 बार नमक। तो अभी हम इसे ढककर पकाएंगे दोबारा से 5 मिनट के लिए। हमें ढककर पकाना है, गट्टे और भी टेस्टी बनकर निकल कर आएंगे सब्जी के। तो अभी ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, लिड हटा कर देखा है, एकदम कलरफुल सब्जी बनी है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसके अंदर हमने अभी गर्म मसाला ऐड कर दिया है, और थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं धनिया पत्ता, और कटा हुआ धनिया डालकर इसे अच्छे से चला लीजिएगा, गर्म मसाला और धनिया भी इसके अंदर मिल जाए ताकि। तो फ्रेंड्स गट्टे की सब्जी बनकर तो तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे आप चावल पराठा रोटी जिसके साथ भी खाना चाहें, अल्टीमेट टेस्टी लगने वाला है, बहुत टेस्टी लगने वाली है आपको फ्रेंड्स। तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, इसे शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को दीजिएगा एक लाइक। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।